सवाल है कि राहुल गांधी अपने नाम के पीछे नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? गांधी फैमिली ने नेहरू सरनेम से क्यों किनारा कर लिया? फिरोज गांधी इस देश के इकलौते ऐसे शख्स थे जिनके ससुर प्रधानमंत्री रहे, और अब मैं पूरी वंशावली आपको बताती हूं। पत्नी प्रधानमंत्री रही, हम फिरोज की बात कर रहे हैं, उनके ससुर प्रधानमंत्री, पत्नी प्रधानमंत्री, बेटा भी प्रधानमंत्री बना, लेकिन कांग्रेस में कोई भी फिरोज गांधी का नाम नहीं लेता। राहुल गांधी का कहना है कि वो दत्तात्रेय गोत्र के हैं, कश्मीरी ब्राह्मण वो अपने आप को कहते हैं, मगर ये गोत्र नेहरू का था। फिरोज तो गुजराती पारसी थे। राहुल गांधी के दादा और राजीव गांधी के पिता का पूरा नाम फिरोज जहांगीर गांधी था, गांधी, जी हाँ। 1942 में फिरोज और इंदिरा की शादी हुई तो नेहरू को अपनी इमेज की चिंता हुई। कहा यह जाता है कि तब महात्मा गांधी ने फिरोज को अपना उपनाम दिया, फिरोज गांधी से गांधी हो गए। हालांकि इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो इस बात की पुष्टि कर सकता है। अब ये तो बात हुई गांधी सरनेम को लेकर हो रहे विवाद की, फिरोज गांधी कैसे, फिरोज गांधी कैसे फिरोज गांधी बन गई, ये हमने आपको बताया। अगर नेहरू फैमिली के वंश की बात करें तो वो कश्मीर के ब्राह्मण थे, उनका सरनेम कौल था। बाद में उनके परिवार ने कौल सरनेम यानी कौल उपनाम लगाना छोड़ दिया और केवल सरनेम का इस्तेमाल करने लगा। जवाहर लाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी इंदिरा पहले अपना नाम इंदिरा प्रियदर्शनी लिखती थीं, फिर इंदिरा नेहरू सरनेम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिरोज से शादी के बाद उनका सरनेम इंदिरा गांधी हो गया। यहीं से गांधी फैमिली की शुरुआत हुई, वो पूरी वंशावली हम आपके सामने रख रहे हैं। इंदिरा के दोनों बेटों राजीव और संजय का उपनाम भी गांधी रहा। तो ये सिलसिला अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, चूंकि उनकी शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा हो गया। उधर आप संजय गांधी की वंशावली भी देखें कि मेनका गांधी से उनकी शादी हुई, उनके बेटे वरुण हुए, उनका भी उपनाम गांधी है। अगर महात्मा गांधी के वंश की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ। महात्मा गांधी के पिता का नाम मोहनदास, माफ़ कीजिएगा, करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी अपने 4 भाइयों और बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी एक बड़ी बहन रलियत और 2 बड़े भाई लक्ष्मीदास और कृष्णदास थे। गांधी जी के 4 बेटे हुए, इनमें हरिलाल सबसे बड़े बेटे थे, उनके बाद मणिलाल, रामदास और देवदास इनके बेटे हुए। आज की तारीख में गांधी की फैमिली बहुत बड़ी है और दुनिया के कई देशों में फैली हुई है, लेकिन किसी ने भी गांधी सरनेम ना बदला और ना बदलने की ज़रूरत समझी।